वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। शिवराज जी, क्योंकि आपका मैंने परिचय दिया शिवराज जी, तो मैंने कहा पूर्व मुख्यमंत्री, विदिशा के सांसद। मैं ये जानना चाहता हूं अगली बार जब मेरी बात होगी तो मैं आपका क्या परिचय दूंगा, केंद्रीय मंत्री? या फिर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि शिवराज जी को केंद्र में दिल्ली लाया जा सकता है बतौर केंद्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं सांसद के रूप में आपसे बात करूंगा, क्योंकि पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी है सांसद की। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता एक बड़े मिशन के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, जनता के कल्याण के लिए। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन और आंदोलन है भारतीय जनता पार्टी, और हम उसके कार्यकर्ता। तो जब आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो आप ये नहीं देखते कि आप क्या रहेंगे, आप जो हैं वो काम ठीक से करें, यही आपका भाव रहता। तो मैं तो एक विनम्र और साधारण कार्यकर्ता पार्टी का हूँ, जो जवाबदारी पार्टी ने जब दी उसी को मैं बेहतर ढंग से करने का प्रयत्न करता हूँ। इस समय चुनौती थी 29 सीट जीतना, और खुशी है कि कार्यकर्ता के नाते कसौटी पर हम लोग खड़े। अच्छा, मैं आखिरी सवाल, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा शिवराज जी, आपकी दिली इच्छा क्या है? आपके पास दो ऑप्शन दिए जाएं, केंद्रीय मंत्री या बीजेपी का संगठन का अध्यक्ष, आप क्या चाहेंगे? मेरी दिली इच्छा है मैं अपने देश के लिए काम करूं, विदिशा को आदर्श लोकसभा क्षेत्र बनाने के लिए, विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा बनाऊं अपनी जनता के साथ। इसके अलावा कोई इच्छा मेरी नहीं है, पार्टी की इच्छा ही मेरी इच्छा है। एक बात आप सुनिए, आपके माध्यम से मैं सबसे कहना चाहता हूं कि मनुष्य जो होता है उस काम को ठीक से नहीं करता कई बार, और जो नहीं होता वो बनने की कोशिश करता है, उस चक्कर में कोई काम ठीक से नहीं होता। इसलिए जो काम अपनी तरफ है उसको ढंग से करते चलो, इसी में हमारे मानव जीवन की सार्थकता है। तो आप तो पार्टी के बहुत कट्टर, सच्चे, ईमानदार सिपाही हैं, आप डिसिप्लिन कार्यकर्ता हैं, अगर पार्टी कहती है तो अध्यक्ष बनेंगे आप? मैं ये पूछ रहा हूं, पार्टी अगर कहती है तो? नहीं, पार्टी कहेगी नहीं कहेगी मुझे पता नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे जो पार्टी कह देगी मैं वही करूंगा। अभी विधायक के नाते मैंने काम किया, आप देखिए मैं किसी पद पे था क्या? मैं मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद केवल सिंपल विधायक था, लेकिन 2900 लोकसभा क्षेत्र में नहीं, मैं चुनाव की तैयारी से लेकर चुनाव प्रचार तक लगभग 16 राज्यों में गया, क्योंकि मैं कार्यकर्ता था। मुझे पार्टी ने कहा कि जाओ तुम आंध्र प्रदेश चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, केरल चले जाओ, तेलंगाना चले जाओ, मैं चला गया। पार्टी जो कहेगी वो करूंगा मैं। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।